बकरे के अंडकोश में सूजन का 100% इलाज जानना चाहते हैं? मास्टर ट्रीटमेंट में बताने वाला हूं, तो देखिए ये वीडियो। दोस्तों जो भाई जुड़े हैं उनका भी और जो नए जुड़ने वाले हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग हमारे चैनल को इतना प्यार मोहब्बत दे रहे हैं। किसान मित्रों, अपने फार्म पे जो ब्रीडर है उसके अंडकोश में अगर सूजन आ जाए, चाहे एक अंडकोश में आए चाहे दोनों में आ जाए, और ऐसी स्थिति में कई बार ब्रीडर खाना पीना भी बंद कर देता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, करना चाहिए? तो मैं इस वीडियो में माध्यम से संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। लेकिन आप हमेशा ही कोई सी भी स्थिति है, कोई सी भी सिचुएशन हो, हमेशा ही नज़दीकी पशु चिकित्सक के देखरेख में ही इलाज करवाना चाहिए और करवाना भी है। ये मात्र वीडियो जो बनाने का मकसद है सिर्फ और सिर्फ जानकारी देना है। तो देखिए, अंडकोश जो सूजन आता है उसके पीछे कई रीजन होते हैं। अगर रीजन की बात करें तो सबसे बड़ा रीजन होता है इन्फेक्शन का, और इन्फेक्शन जब भी हो जाता है उस समय बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो वहाँ अगर मान लीजिए नॉर्मली इन्फेक्शन है तो कोई नॉन इन्फेक्शस रीजन है तो उसको हम कुछ टेबलेट की मदद से भी ठीक कर सकते हैं, और कई बार ये टेबलेट मददगार भी साबित होते हैं और इस सूजन को ठीक भी करते भी हैं। यदि हम टेबलेट की बात करें तो दो प्रकार की टेबलेट आती है, जिसमें से एक टेबलेट जो है वो है ह्यूमन की आती है, जिसका नाम है लासिक। ये जो लासिक टेबलेट है वो ये ह्यूमन की आती है। एक टेबलेट सुबह शाम देनी होती है, 2 से 3 दिन तक इसके साथ में जो बोलस है उसका नाम है सेनाकाइन प्लस वेट। 20 से 30 केजी के बकरों को 1/3 यानी एक टेबलेट का तीसरा भाग ही देना होता है, यानी एक बोलस का तीसरा टुकड़ा। एक टुकड़े दे दीजिए, बकरा बड़ा है तो बढ़ाना पड़ेगा, छोटा है तो कम करना पड़ेगा। ये आप अपने कंडीशन के हिसाब से यूज कर सकते हैं। और 20 से 30 केजी पर 1/3 सुबह और शाम आपको देना रहेगा, आराम से इस सूजन को ठीक कर लेंगे। ये कारगर फार्मूला है, अच्छा फार्मूला है, रिजल्ट गजब का मिलता है। इस फार्मूले में मदद से आप अंडकोश की सूजन को ठीक कर लेंगे। अब मान लीजिए इन्फेक्शियस रीजन है और ये किसी कैसे ठीक होगी भाई, तो इसके बाद आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। यदि हम बात करें इंजेक्शन की, तो पहला इंजेक्शन जो बहुत अच्छा काम करता है जिसका नाम है इंजेक्शन यानी कि एसनल या एक्सेप्ट भी आता है। ये सेप्टिफोस सोडियम का इंजेक्शन है। 250 mg में 2 बकरे हैं तो 500 mg, 4 है तो 1 ग्राम। एक्सनल या एक्सेप्ट की बात करें तो 250 mg का आता है, वही ले। इससे डिजोल वाटर भी साथ में आता है, इसमें मिलाओ और लगा दो। 20 केजी से 50 केजी के बकरों को आप यूज कर सकते हैं। 250 mg मास में देना है, साथ में मेग्लुडाइल इंजेक्शन है, ऐसी सूजन में बहुत अच्छा वर्क करता है। डोज 1 ml 15 kg से लेकर 20 kg तक दिया जाता है। सुबह शाम खाना पीना प्रॉपर हो तो इंजेक्शन से ही काम हो जाएगा। यदि खाने पीने में कतई बरत रहा है तो साथ में आप भी कॉम्प्लेक्स की यूज किया जा सकता है, जीत भी यूज किया सकता है, इस्तेमाल में लेना ही लेना है। खाना पीना भी प्रॉपर करता रहेगा। इसके 3 दिन तक लगातार लगवाया जा, बहुत ही अच्छा रहता है।
तीन दिन तक लगवाना रहता है। यहाँ टेंशन ना आए कि एसनल और एक्सेप्ट का क्या फंडा है, तो आप हमारे गोट फार्मिंग में विस्तार पूर्वक बताया जाता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो डेमो क्लास भी टेलीग्राम पर जाके देख सकते हैं संपूर्ण जानकारी का। धन्यवाद।